नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाइए। दोस्तों, जनवरी कुंडली के मामले में सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है। कई लोगों के लिए ये महीना अवचेतन रूप से नई शुरुआत सूचित करता है, जहाँ से एक नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, जनवरी 2018 का राशिफल आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सी राशि वालों को जनवरी महीने में लाभ मिलेगा और कौन कौन सी राशि वालों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि। जनवरी महीना बहुत ही व्यस्त महीना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाओं का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। मेष अपने कैरियर के साथ साथ अपने निजी जीवन में भी आराम करने की स्थिति में नहीं होंगे। अपनी महत्वाकांक्षी और जुझारू विशेषता की वजह से वे प्रमुख कठिनाइयों को दूर करेंगे और कई अनमोल अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्हें लागू करने से न डरें, सबको दिखाएं कि आपके महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। यदि आपके बॉस द्वारा कोई गलती आपके ध्यान में आती है तो ये बात सबके सामने मत कहें, उन्हें अकेले में बता दें। किसी संग्रहालय या प्रदर्शनी में जाएं तो आपको मज़ा आएगा और हो सकता है कि आप कुछ नया सीखेंगे। उद्देश्य आपको परेशान नहीं करेगी, सकारात्मक मनोदशा और ऊर्जा आपसे ही निकलेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक, जनवरी के महीने में विशेष रूप से पिछले वर्ष पर विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को जानें और उन्हें नहीं दोहराएं। आपको अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर आपके काम और जिम्मेदारी में। तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान आक्रामकता के साथ नहीं करें। सब कार्य अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करें। पछतावों के बिना आप स्वयं को अपने सिर पर चढ़ा सकते हैं, इसलिए आप इसके योग्य हैं। हाल ही में आपने वास्तव में कड़ा प्रयास किया है। मिथुन राशि। मिथुन राशि इस वर्ष की शुरुआत में एक बहुत ही शांतिपूर्ण माह की अपेक्षा कर सकता है। सितारे संतुलित हैं और सकारात्मक स्थिति में हैं। कैरियर, वित्त और निजी जीवन या आवाज़ की बातों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जनवरी एक उपयुक्त महीना होगा। आप जो भी चुनाव करते हैं, आप गलती नहीं कर सकते। आप सकारात्मक ऊर्जा विकीर्ण करते हैं, यही कारण है आज का जो महीना है वो परिणय मिलन के लिए सही दिन होना चाहिए। और अधिक सामाजिक बने, आप नए मित्र बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मुलाकात अपने जीवन जोड़ीदार से हो सकती है। स्क्वैच या रैकेट के दूसरे खेल का प्रयास करें, यह आपकी ऊर्जा को फिर से ताज़ा करेगा। आप कोई मशीन नहीं है, आपके शरीर को समय समय पर आराम की आवश्यकता है। कर्क राशि। ये जनवरी माह आप उत्साह से नए साल का स्वागत करेंगे। तारे कैंसर से एक बहुत ही सकारात्मक अवधि का वादा करते हैं। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में आप शांति और सुसंगतता का आनंद लेंगे। इन लाभों का अच्छा उपयोग करें और उन गंभीर विषयों पर चर्चा करें, न डरें, जो कि आम तौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं पाते हैं। ऐसी बातों के लिए अब सही समय है। आपकी जोड़ीदार दखलंदाजी भरे प्रश्नों और विस्फोटों के साथ आपको खिंचा रही है, परंतु आपको थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए प्रयास करना चाहिए कि क्या गलती आपकी तरफ से नहीं हुई थी। संभवतः इसका कारण अनिश्चितता ही होगा। आप कुछ आराम करना पसंद करेंगे, परंतु छुट्टी एकदम कभी कोई विकल्प नहीं है। आपको थोड़े और समय तक रुकना पड़ेगा और लड़ना होगा। आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है, खेल कूद करके अपने शरीर के लिए कुछ करने का प्रयास करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, नए साल का जनवरी सिंह राशि के लिए काफ़ी व्यवस्थापूर्ण शुरुआत देगा। जब आपके कैरियर की बात आती है तो इस साल भी आप अपने जुझारी और महत्वाकांक्षी प्रकृति के कारण सफल रहेंगे। कुछ भी मुफ्त में नहीं आएगा, पहले आपको काम पर कई समस्याओं से निपटना होगा। दुर्भाग्य से आप उनसे नहीं बच सकते, लेकिन इन मुद्दों पर काबू पाने के बाद आप मजबूत और अधिक परिपक्व होंगे। हताश मत हो, जब आपका संबंध इस समय सही नहीं जा रहा, हो सकता है केवल अस्थायी हो, इसके बजाय मिट्टी सुलह करने के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, इस वर्ष की शुरुआत में आपको धैर्य रखना होगा। कन्या राशि के लिए अभी
वे अभी जो चाहते हैं वो संभव हो सकता है। आपकी व्यग्रता के कारण आपको कठिनाइयों को दूर करने का रास्ता मिल सकता है। सही प्रेरणा के साथ आप जनवरी में अपने काम की गति को सुधार सकते हैं। संभवत वे आपको स्वार्थी कहेंगे, परंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे लोगों की सहायता करने का कोई अर्थ नहीं है जो इसके योग्य नहीं है। आप इसे करने में बहुत प्रयास करेंगे लेकिन सब व्यर्थ जाएगा। इससे पहले कि आप कुछ कहें, सोचें ताकि आप समस्या में नहीं पड़ें, आप किसी अच्छी जगह पर जाएं और अच्छे लोगों के साथ समय स्पेंड करें। तुला राशि के लिए जनवरी आसान नहीं होगा, क्योंकि वे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और संवेदनशील प्रकृति के रखते हैं। काम की बढ़ती गति की वजह से आपके पास अपने प्रिय के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि आपको उनके पक्ष से विश्वास की कमी मिल सकती है। ये लड़ाई करने का कोई कारण नहीं है। सब प्रश्न एक शांत तरीके से और अधिक प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। आपको कुछ समय को केवल अपने और अपने समकक्ष के लिए आरक्षित करना चाहिए। आप सदैव विभिन्न घटनाओं में भाग ले रहे हैं, मित्रों से मिलजुल रहे हैं, आपके पास यहाँ तक कि चैट करने के लिए भी समय नहीं है। अपने जोड़ीदार के साथ एक अच्छी शाम बिताएं, बस एक दूसरे का आनंद लें। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी माह पेचीदा हो सकता है। अचानक आप कई समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये केवल भ्रम की स्थिति पैदा करेगा और ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुद्दों को व्यवस्थित रूप से हल करें। उन सब कार्यों की एक सूची लिखें जिन्हें पहले आप पूरा किया करना चाहते हैं। इस तरह आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। आपके विचारों में आपके जोड़ीदार के अलावा और कोई भी नहीं है, परंतु आंखें बंद न हो जाने दें और बहुत अधिक दखलंदाजी देने वाला भी मत बने। अपने विचारों को अपने पास रखें, उन्हें लागू करने के लिए बेहतर अवसर होंगे। धनुराशि। जनवरी में धनु का नया साल सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होगा। तारे अभी सही स्थिति में हैं। एक प्राकृतिक अधिकारी के रूप में आप दूसरों के ऊपर उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। काम पर इसका सही इस्तेमाल करें, बस अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहें। इस अवधि में आप अपने आप को बार बार तनाव भरी स्थितियों में डाल रहे हैं। आप अपना काम पूरी तरह से स्वचालित रूप से कर रहे हैं और आपकी आत्मा कहीं और है। छोटी गलतियों से सावधान रहें। अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए स्वतंत्र अनुभव करें। इन दिनों नक्षत्र आपका सही दिशा में है। आपको किसी भी निर्णय पर पछतावा नहीं होना चाहिए। मकर राशि। जनवरी में मकर राशि निजी जीवन में, रिश्तों में, विवादों में आ सकता है। आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई है जो आपके बहुत निकट है, उनसे आप पहले की तरह नहीं मिलजुल सकते। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर व्यक्ति आपके सहित परिवर्तन और समय के साथ बढ़ता है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर कठिन नहीं करें। आपके परिवार में समस्याएं उठ सकती हैं। उदासीन मत हो, उन लोगों की सहायता करें जिन्हें आपकी आवश्यकता है। जब आप हताश होंगे तब वे निश्चित रूप से आपकी भरपाई करेंगे। हर दिन सबसे अच्छा दिन नहीं है, हताश मत हो। यदि चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं जिस तरह से आपने समय समय पर योजना बनाई थी, आपकी प्रतिबद्धता उच्च है, आप अनुभव करते हैं, आप सदैव काम करते रह सकते हैं, परंतु कुछ सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि समापन आपका अच्छी तरह से नहीं हो। कुंभ राशि, आपको धैर्य रखना होगा, ऊर्जा बचानी होगी। आपको जनवरी में इसकी आवश्यकता होगी। काम पर एक अप्रत्याशित स्थिति आ जाएगी जिसे आप प्रभावित नहीं कर सकेंगे और इसे आपके पूरे ध्यान की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि के रूप में आपके गुणों की वजह से आप इस समस्या का एक उपयुक्त समाधान तो ढूंढ लेंगे, फिर भी आपको कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी। आपकी जोड़ीदार दखलंदाजी भरे प्रश्नों से आपको प्रसन्न और परेशान भी कर सकती है। आप अपने सहकर्मियों के साथ समान मनोदशा पर समायोजित हैं, यही कारण है कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्पादक होंगे। भाग्य उसके पक्ष में होता है जो तैयारी करके रखता है। इसलिए किसी कार्य को पूरा करने या काम के दौरान जानकारी ढूंढने के दौरान आपको कुछ अधिक समय बिताना चाहिए। मीन राशि।
मीन राशि जनवरी काम पर परिश्रम का संकेत होगा। मीन राशि के लोगों को सबको ये दिखाने का एक अनूठा अवसर होगा कि उनके पास क्या कौशल है। जहां दूसरे अधिक देर तक सोते रहें या खुद को एक कठिन स्थिति में पा रहे हैं, आप श्रेष्ठ होंगे। सिर्फ आत्म केंद्रित और अति आत्मविश्वास करने से बचें, इस तरह आप केवल दुश्मन प्राप्त करेंगे। जब आपको पता लगेगा कि परियोजना का समाधान कैसे करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, परंतु इससे कोई असर नहीं पड़ता है। कम से कम आपने अगली बार के लिए सीखा है। अपने जोड़ीदार या किसी मित्र से बात करें, किसी समूह नृत्य में जाएं। यह वर्ष का सामाजिक कार्यक्रम है और माहौल वास्तव में इसके योग्य हैं। तो दोस्तों, ये था आपका जनवरी महीने का राशिफल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर